हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, केरला के अंदर जो है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। पहले इन्होंने लास्ट डेट 31 जुलाई दी थी, लेकिन अभी जो है लास्ट डेट को बढ़ा करके दोस्तों 10 अगस्त कर दिया गया है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो अभी के अभी रजिस्ट्रेशन कर लें। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर MBBS काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके एग्जाम होने से पहले ही करवा ले जाते हैं। सबसे पहले अप्रैल में करवाए गए थे, उसके बाद दोस्तों अब की बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन रीओपन किए गए हैं, और 31 जुलाई लास्ट डेट थी, लेकिन अब की बार ये डेट बढ़ा करके 10 अगस्त कर दी गई है। दोस्तों, आपने अगर फॉर्म भर दिया है, कोई गलती अगर आपकी हो गई हो, या फिर अभी तक नहीं रजिस्ट्रेशन किया है दोस्तों, तो 10 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.cee.kerala.gov.in। और दोस्तों, केरला के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं वहां पर पूरे इंडिया में सबसे सस्ते प्राइवेट कॉलेज हैं MBBS के लिए। तो दोस्तों, आपकी MBBS की फीस जो है यहाँ पर 25 से 30 लाख रहती है। बहुत कम फीस में आप यहाँ से MBBS कर पाते हैं। तो दोस्तों, फीस और कट ऑफ के लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो अभी थोड़ी देर पहले जो है अपने चैनल पर डाला था, तो आप उसे भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। अगर आप BDS MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं केरला के अंदर, तो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं और 85% स्टेट कोटा की सीट है, तो आप जो है यहाँ पर जरूर अप्लाई करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।